तो दोस्तों आज हम बात करेंगे वेबा ग्लोबल के स्टॉक के बारे में। वेबा ग्लोबल के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। हम अगर यहाँ पे स्टॉक की बात करें तो हम देखेंगे जो ये स्टॉक है ये हमको पहले यहाँ पर लगातार क्लियर अपट्रेंड में देखना मिल रहा था। हमको यहाँ पर स्टॉक में हाइयर हाई हाइयर लो वाला पैटर्न यहाँ पर देखना मिल रहा था, लेकिन फिर स्टॉक ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया जिसके बाद से अभी हमको जो स्टॉक है वो लगातार यहाँ पर इस रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब अगर यहाँ पर स्टॉक अपने इस रेंज को ब्रेक करता है देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन एक अच्छी वन साइड मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिल सकती है। आज हमको यहाँ पर स्टॉक में अराउंड 5% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। तो यहाँ से अभी हम स्टॉक में बात करें यहाँ से अभी अगर स्टॉक में और गिरावट आती है तो यहाँ से और गिरावट की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक है 410 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक यहाँ पर इसको ब्रेक करेगा देन यहाँ से हमको स्टॉक में 393, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 376, और अगर स्टॉक ने यहाँ पर इसको भी ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन 361 तक के लेवल से यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे ऐसा नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट। वहीं यहाँ से अब अगर स्टॉक में रिकवरी आती है तो यहाँ से अभी रिकवरी कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक है 443 का पहला यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक यहाँ पर इसको ब्रेक करेगा देन यहाँ से हमको स्टॉक है 469, और अगर स्टॉक ने यहाँ पर इसको भी ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक है 493, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक है 519 एंड देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन 560, और यहाँ से हमको स्टॉक में अभी 600 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं ऐसा नेक्स्ट है रेजिस्टेंस। तो ये स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाई सेल होल्डिंग की सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। धन्यवाद।